तो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वोटर कार्ड को अब आधार कार्ड के साथ में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में जितने भी वोटर कार्ड हैं, लगभग 90 करोड़ के करीब या 91 करोड़, तो सभी वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक किया जाएगा। अब आपके पास पड़ोस में भी जो लोग रहते हैं, सबका वोटर कार्ड बना है, आपका खुद का बना है, तो ये जो प्रोसेस है वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने का, ये जो प्रोसेस है या इसके लिए जो वेबसाइट है वो एक पब्लिक प्लेटफार्म है, ठीक है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं या सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कमाई का मौका है। देखिए, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी डिजिटल प्लेटफार्म के जितने भी काम हैं वो सभी जनसेवा केंद्र संचालकों के पास ही आते हैं, क्योंकि लगभग 80% आज भी जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले काम हैं वो सभी पब्लिक ही हैं। लेकिन जितना भी काम है, कुछ ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो खुद से करते हैं, अदरवाइज वो सभी जनसेवा केंद्र पर ही जाते हैं। अब जो पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस है या आधार कार्ड का प्रोसेस है, ये चीज़ें तो एक इंडिविजुअल, एक कैंडिडेट ही कर सकता है जिसका आईडी हो, लेकिन वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं, आपका आईडी अप्रूव होगा कि नहीं होगा, तो ये सभी बातें बात की हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको दो बातें मुख्य रूप से बताऊँगा। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से आप किसी कैंडिडेट को आधार से ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके वोटर कार्ड पर उसका आधार कार्ड किस तरीके से लिंक करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको दूसरी एक चीज़ और भी बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब किसी भी कैंडिडेट को अपडेट करने के लिए जाएंगे, उसे लिंक करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कैंडिडेट के वोटर कार्ड नंबर की, ओके, जिसे हम बोलते हैं एपिक नंबर। अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है कैंडिडेट का, तो आपको उसे निकालना होगा, और निकालने का जो प्रोसेस है वो लगभग आप मान के चलिए कि नहीं ही निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डाटा पूछा जाता है वो आप मैच नहीं करा पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास जो एपिक नंबर है वो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूपी की। अब मान लीजिए कि आप यूपी के किसी ऐसे ज़िले से आते हैं या किसी ऐसे गांव से जहां पर कोई एक कैंडिडेट आ रहा है आपके, और उसके पास वोटर कार्ड नंबर नहीं है, तो आप क्या करें कि आप जिस किसी ज़िले से हैं, मान लीजिए आप आगरा से हैं, तो आगरा में जितने भी यहां पर असेंबली हैं, ठीक है, विधानसभा है, सभी विधानसभा यहाँ पर आ जाएंगी। अब इन विधानसभा में जो भी आपकी विधानसभा, उस पर क्लिक करके आप जो आपका बूथ नंबर या पार्ट नंबर जो गांव है वहाँ पर जहाँ पर वोटिंग होती है उस जगह को आप चुन लेंगे, और व्यू पे क्लिक करके आप सिंपल सा एक वोटर लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से, ओके। मैंने यहाँ पर जानकारी को हाइड कर दिया है, इस तरीके से वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे और हर एक वोटर लिस्ट का यहाँ पर डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हुई डाउनलोड करने की, इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको मिला है, अगर ये ज़रूरत आपको पड़ती है तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो आप एक सीएससी बेली हैं, आपको अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर, प्लीज़ नोट दैट यू कैन अप्लाई फॉर्म्स फॉर योर सेल्फ ओनली। आप सिर्फ अपने लिए ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर्म फॉर अदर फैमिली मेम्बर, अगर आप किसी दूसरे पारिवारिक सदस्य के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी मेम्बर हो, देन तब इंडिविजुअल अकाउंट नीड, तब एक अकेला अकाउंट बनाना होगा आपको, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वोटर कार्ड के लिए अलग अलग अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो क्लियर है कि आप अगर किसी कैंडिडेट का बनाने जाएं, किसी का आधार लिंक करने जाएं, तो वहाँ पर आपको हर एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा और प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो किस तरीके से आपको ये सब कुछ करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप लैपटॉप से कर सकते हैं, दूसरा है कि आप मोबाइल से कर सकते हैं। अब देखिए लैपटॉप में थोड़ा रिस्की है, लैपटॉप में क्या है कि लैपटॉप में जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इधर उधर करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मोबाइल में, ठीक है। आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है और एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पर आसानी से काम कर पाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं मोबाइल में। इसके लिए आप देखें तो हमारे पास ये मोबाइल है, ठीक है। इसमें हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च में हम आएंगे और लिखेंगे वोटर हेल्पलाइन, ओके। आप वोटर हेल्पलाइन को यहाँ पर सर्च कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ सर्च करते हैं तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये कि वोटर हेल्पलाइन नाम का ये एप्लीकेशन है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे कर देंगे ओपन,
ओपन होने के बाद इस तरीके से एक डिस्क्लेमर आएगा जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आई एग्री के चेकबॉक्स को टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज चुनेंगे। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी पे जिसे हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट है, ये बहुत से काम इसमें होते हैं, लेकिन मैं आज जो बात करूँगा वोटर रजिस्ट्रेशन। अब ये मत समझिएगा कि नया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि जिनका अभी तक नहीं बना है तो उनका यहाँ पे बनेगा, ऐसा नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फार्म दिखाए गए। मैं इन फार्म का मतलब आपको समझा दूँ, वीडियो का मतलब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, नया जब आपको कोई पहचान पत्र बनवाना हो, मतलब नया कोई वोटर आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई और वो नया मतदाता बनना चाहे, तो आपको उसे फार्म नंबर 6 ये भरना पड़ता है। अगर कोई मृतक हो गया है या इधर से उधर चला गया है, उसका डिलीट करना हो, कोई दिक्कत हो गई हो, मतलब डाटा हटाना हो, तो उसके लिए फार्म 7 भरा जाता है। अगर उसके बने हुए किसी वोटर कार्ड में अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना हो तो फार्म 8 भरना होता है। अब क्या किया गया है, एक नया फार्म ऐड किया गया है 6B, ठीक है। हाँ, ये भी एक रजिस्ट्रेशन ही, लेकिन ये पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही अपडेट होगा, ओके। तो आपका जो पुराना वाला बना हुआ है उसी पर ये आधार बेस्ड यहाँ पर ये लिंक कर दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फार्म, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मेरा नाम मतदाता मित्र है, मैं आपका निजी डिजिटल सहायक हूँ। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि अब आगे का जो भी आप काम करेंगे मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो आपको इन चीज़ों को सिर्फ देखते रहना है ध्यान से। अब चलिए शुरुआत करते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलो शुरू करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एक देना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आप किसका देंगे, उस कैंडिडेट का जिसका पहचान पत्र है, ओके। OTP एंटर करने के बाद सत्यापित करें पर करेंगे क्लिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर सत्यापित होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है हाँ मेरे पास वोटर आईडी नंबर है, दूसरा है नहीं मेरे पास वोटर आईडी नंबर नहीं है। अगर आप यहाँ पर इनकेस क्लिक करते हैं कि नहीं मेरे पास वोटर आईडी नंबर नहीं है, तब आपको ये ले जाएगा वेबसाइट पर और वहाँ पर आपको बोलेगा कि आप अपना डिटेल दर्ज कीजिए जिससे कि आपका नंबर का पता लगाया जा सके। और आप डिटेल कितनी भी दर्ज कर लें, भले ही आप कभी को सर्च कर पाएँ वरना आप सर्च कर नहीं पाएंगे। तो इससे चाहिए है कि जो मैंने आपको तरीका बताया यहाँ से डाउनलोड करने का, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करके आप इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर आप जिस किसी भी गांव की शहर की आप लिस्ट को निकालना चाहेंगे आसानी से आप निकाल पाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया हाँ मेरे पास वोटर आईडी नंबर है, उसके बाद हम क्लिक करते हैं अगला, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पर ये कृपया अपना वोटर आईडी नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पर हमें वोटर आईडी नंबर दर्ज कर देना है, ओके। अब यहाँ जैसे ही वोटर आईडी नंबर हमने एंटर किया, उसके बाद स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और नीचे लिखा हुआ आ रहा है विवरण प्राप्त करें, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो जो हमने वोटर आईडी नंबर एंटर किया है इसकी पूरी डिटेल फेच होकर के हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ नीचे लिख करके आ चुका हमें आपकी दर्ज की गई वोटर आईडी के लिए यह रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ आगे बढ़े जो लिखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अभी देखते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड मिला। तो आपको बस ये देखना है कि जो नाम वगैरह लिखा हुआ है कि ये सही है। अगर ये सही है तो आप अगला पर क्लिक कर देंगे, अगर गलत है तो इसको बैक करेंगे, ठीक है। तो हमने अगला पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं हूँ, अब देखिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर डाटा जो है सब पे दिखा रहा है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया। अब यहाँ पर आधार विवरण, या मैं अपना आधार नंबर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आधार नंबर नहीं है। अब देखिए इनकेस किसी के पास भले ही आधार नंबर ना हो, आधार नंबर तो सबके पास होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ आधार संख्या में आधार नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने आधार नंबर एंटर कर दिया, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आवेदक है उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आवेदक, अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ स्थान पूछ रहा है, तो स्थान में आप गाँव का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पूर्ण जो लिखा हुआ है इस पूर्ण पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखेंगे फार्म 6B पूर्वावलोकन, मतलब ये प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया। प्रीव्यू में क्या है कि जो पूरा पहले इस फार्म को खुलने देते हैं। अब यहाँ पर फार्म खुलने के बाद आप देखेंगे तो इसको हम एक एक करके अगर स्क्रॉल करें तो इस तरीके से यहाँ पर सभी यहाँ पर डिटेल हमें दिखाई गई, ठीक है। तो इन डिटेल को आप एक बार चेक करेंगे। और ऊपर की तरफ टाइमर चल रहा है 4 मिनट 42 सेकेंड 41 सेकेंड, इस तरीके से मतलब पूरा 5 मिनट का टाइम मिलता है आपको इसे पुष्टि करें पर क्लिक करने में, इसे फाइनल सबमिट करने में। आपको एक बार पूरा डाटा ये चेक कर लेना है, अगर आपको लगता है कि हाँ पूरा डाटा सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो लिखा है पुष्टि करें, इस पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एक ही आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
अब बात आती है कमाई की, तो यहाँ पर कमाई आपके किस तरीके से होगी। अब देखिए, जिस कैंडिडेट का आप ये काम करेंगे आप उससे आसानी से रुपए ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम जो आप कर रहे हैं वो काम उस कैंडिडेट का खुद का है, या वो खुद जनसेवा केंद्र पर जा कर के कराए। जब वो आएगा तो आपको रुपए खुद ब खुद दे करके जाएगा इस काम के लिए, और ये सभी को कराना अनिवार्य है। तो आप बस इतना है कि आप इसके बारे में लोगों को बताएं कि इस तरीके से यहाँ पर इनका वेरिफिकेशन होना है, ऑथेंटिकेशन होना है, जितने भी वोटर कार्ड हैं उन सभी को आधार से लिंक किया जाना है। तो जैसे ही लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी तो खुद ब खुद इसके बारे में आपसे मिलने जरूर ही आएंगे। और दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं कि जितने भी गन्ना सट्टा जो हैं उन गन्ना सट्टा पर घोषणा पत्र ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं। तो अभी तक अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप प्लीज़ इसको एक बार वेबसाइट पर जाकर के जरूर चेक करिएगा। और लोगों को, जितने भी किसान हैं जो गन्ना सट्टा रखते हैं, जिन जो लोग गन्ना सप्लाई करते हैं, उनका घोषणा पत्र आप जरूर ऑनलाइन अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आपको जानकारी के बारे में नहीं है कि हम ये काम किस तरीके से करते हैं, तो आप हमारे इसी चैनल पर वीडियो जो पड़े हुए हैं उन वीडियोस को आप एक बार वॉच करिएगा। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें गन्ना घोषणा पत्र भरना है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि इसी तरह के रोज़ाना जो मैं वीडियोज लाता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप पर तुरंत ही मिल जाए। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में कल नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।